अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? सो आज है 19th रोज़ा, मतलब 19 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और सिर्फ 10-11 रोज़े बचे हैं। अगर मतलब हाँ 10 रोज़े भी बचे हो सकते हैं, 11 भी, अगर 29 रोज़े हुए और ईद हो गई तो। सो अभी मैं बस नहा ईद हुई हूँ और मेरी आँखें हमेशा की तरह मेरी आंखें एकदम सूजी हुई है। सो मैं नहा धो के अभी बस चेंज किए हैं कपड़े एंड आज है शबाने का रफ्तार फिर से। और मैं लास्ट व्लॉग में बताना भूल गई थी कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, जब हम कॉलेज सॉरी स्कूल में थे तो और सेम ट्यूशन में पढ़ते थे, मैं शबाना और रनम था, तो हमारा सारा अफ्तार ना एक दूसरे के घर ही होता था। मतलब 50% शबाना के घर, क्योंकि अनमता और सरवा का घर बहुत दूर था, दूर है थोड़ा सा, और बाकी का वो दोनों हमारे घर आ जाते थे। तो हम रोज के रोज हमारा अफ्तार इधर उधर इधर होता था। ये तो अब बड़े हो गए हैं तो इतने दिन हो गए। मैं संडे को सबसे मिली थी और 4 दिन से आज व्लॉग स्टार्ट करी, क्योंकि 4 दिन से कुछ था ही नहीं। एंड मैंने कल एक पेंटिंग बनाई है, बाहर मशीन चल रही है उसकी आवाज़ आ रही होगी, वो है ये। सो ये मैंने कल बनाई है, कल मेरे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए तो मैंने अपने, मेरे पास बहुत सारे कैनवसेज हैं तो मैंने एक पेंटिंग बना दी। एंड यहाँ मैंने निकाल के रखे हैं बहुत सारे सूट, पीछे से आवाज़ आती रहेगी। सो मैंने बहुत सारे सूट निकाल के रखे हैं ईद आउटफिट के लिए। कुछ स्टिच होने हैं, कुछ का फैब्रिक आना है, मतलब इसका सूट अब मेरे को फिट नहीं आ रहा और ये वन टाइम वेयर क्या हुआ सूट है, मतलब ये दुपट्टा है इनफैक्ट। सो बहुत सारे सूट हैं अभी जिनके दुपट्टे नहीं हैं, तो सब कंप्लीट करने हैं। एंड मैंने सोचा कि उससे पहले हो सकता है इस वीडियो के बाद, इस व्लॉग के बाद ईद आउटफिट और ईद मेकअप का व्लॉग आ जाए, मतलब जो रियल मेकअप होगा ईद का वो तो ईद व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। सो यप। एंड अभी मैं बस फटाफट थोड़ी देर में शबाने के चलते हैं और उसके बाद देखते हैं फैब्रिक लेने जाना है और फिर ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू होगा, बिकॉज आज इतना कुछ काम नहीं है। आज बस कपड़े इकट्ठे करने हैं, कंप्लीट करने हैं और धीरे 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 मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, यहाँ हुआ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस चक्कर में मैं व्लॉग और भी नहीं बना पा रही हूँ। तो अब ईद आ रही है तो पिम्पल ज़्यादा आएंगे मुझे लग रहा है। सो अभी बस बाल बाल बांध के हम चलते हैं शबाने घर। और यहाँ तो फ्रूट्स वगैरह काटने खड़ी हो गई है, मतलब अफ्तारी की तैयारी में लग गए हैं ये सब। कल बहुत हो रही थी, कितनी छोटी सी है ये भाई। बाहर तो अतूफा ने स्टार्ट कर दिया इफ्तार की तैयारी, इफ्तार की तैयारी, और मम्मी सूट सी रही है पता नहीं किस किस के। सो मैं ये बोल रही थी कि हम इतने बड़े हो गए और अभी भी हमारे घरों में ना लड़ाई होती है कि पानी की बॉटल कौन भरेगा, और हमेशा अदीबा ही भरती है ज़्यादातर। पर ये बचपन से यही चलता आ रहा है कि घर में जितने लोग होते हैं ना कि आज मैंने भरी है कल तू भर, तो ये सबके घरों में होता रहता है। पोर्ट्रेट मोड ऑन करके वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत ऐसे क्लियर क्लियर लग रही है, बट ऐसे मुझे बहुत बेटर लग रही है क्योंकि मैं बहुत क्लियर क्लियर दिख रही हूँ, बैकग्राउंड डर दिख रहा है। जब कोई कबाड़ा मचा हुआ हो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है ये मोड। मैं ठीक हूँ, कितने दिन बाद मिल रही है ये। हाय, इंट्रोड्यूस करा, ये दोस्त है मेरी मयूरी, नमस्कार। ये मेरी जायदाद के पीछे पड़ी है लड़की और मैं दूसरी, और ये भी पड़ी है अभी इस जायदाद के तीन इसकी जाने के बाद हम लेंगे। कब जा रही है? दुआ कर जल्दी जाऊँ। इसको कितने हिस्से होंगे इसकी जायदाद के? बंटवारा होगा, कितने हिस्से होंगे तेरी जायदाद? शादी हो जाए, मुझे एक फ्लैट मिल जाए, उसके बाद जो तुम्हें रखना है रख लो। फ्लैट के पैसे तो हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं आधा उसका आधा इसका आधा मेरा, तीन हिस्से हुए। वसीम को भी भगा देंगे। मैंने सुना था लड़कों को लड़कियां लूटते हैं, पैसों के मामले में लड़कियों को लूट रही है, पहली बार मैं देख रही हूँ। शबाना अफ्तार लगाने गई थी तुम? एक स्टील के ग्लास भी देना है से। दे मेरा मांगने लग जाएगी, चेक कर भाई, मैं तो ओहो हमारे मोबाइल में चित्ता यार।
नहीं हो रहा तेरे पे, तेरे पे फोकस नहीं हो रहा। आंटी फोन ले रही है, इसको आयत को दे। आंटी फोन ले रही है। और कुछ बोलना है कि किसी को? कुछ नहीं बोलना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये गर्ल्स जा रही है अपने अपने घर, गर्ल्स जा रही है, जा रही है। भाई भाई भी जा रहे हैं। Two days later. तो भाई ये फिर से फ्लक्चुएशन शुरू हो गई है, और मतलब ये व्लॉग तीसरे दिन तक चल रहा है। थर्सडे आज संडे स्टार्ट हो गया, दो दिन के बीच में चले गए। सो बहुत ज़्यादा लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, पता नहीं कैमरे में क्यों। दोपहर में बंद हो गई थी, मैंने देखा था, एंड मैंने ये सारा मेकअप वीडियो शूट कर रही थी मैं, ईद मेकअप लुक की, जो इससे पहले आ चुकी है, और जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देख लो उसको। सो बहुत प्यारा मेकअप टर्न आउट हुआ था। एंड अभी बज रहे हैं 12:15, संडे है आज, स्टार्ट हो गया है मतलब। और ये देखो, ये मैं शूट जो कर रही थी उसी का फैलावा है। तो वीडियो तो यूट्यूब पे अपलोड होती है या इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है मैक्सिमम 10 मिनट की, और टाइम जाता है 2 से 2.5 घंटे सामान रखने में और निकालने में क्योंकि सब मैचिंग करना, फिर सिलेक्ट करना सारा कुछ, और बहुत ढूंढ ढूंढ के कपड़े निकाले मैच करें, क्योंकि कपड़े बहुत है, बस किसी की पैंट्स नहीं है, किसी के दुपट्टा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, और कंप्लीट भी नहीं हो पाते क्योंकि कहीं जाना ही नहीं हो पा रहा है। सो ये बस देखें, मतलब ज्वेलरी अलग पड़ी है, मेकअप इधर पड़ा है, सूट उधर पड़ा है, अभी मुझे वो सब रखना है। तो मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ थर्ड डे तक। अब कल शबाना और निशा ने घर आना ही है, तो मैंने सोचा कि वहाँ तक कंटिन्यू कर दूंगी, क्योंकि दो दिन से एक तो फ़ोन फ्लक्चुएट, ये लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसी मूड ख़राब है, और ये पीछे मेरे पेंटिंग पड़ी है, पता नहीं शायद मैंने दिखाई है पहले, मतलब स्टार्टिंग में दिखा दी थी। एंड आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि एंड मोमेंट पे मैंने बनाई है। मैंने सोचा था मैं और ज़्यादा नए सूट स्टिच करवाऊंगी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा मार्केट जाने का, और मन नहीं कर रहा एक्चुअली मेरा क्योंकि जो सूट मैंने ईद पे पहने हैं वो मैंने ले लिए हैं, ऑलरेडी ले रखे हैं, और वो स्टिच हो जाएंगे तो मैं पहन लूँगी, मतलब हो गए। सो ये आप फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मिलते हैं सुबह सहरी के टाइम पे, 2-3 घंटे ही बचे हैं, सोना है नहीं किसी ने, नो स्लीप शेड्यूल चलता है अपना। तो अभी क्या करना है, अभी ये सामान रखना है, मुँह धोना है, उसके बाद कुरान पढ़ने बैठना है। हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। हेलो, हाय। मुझे ओ बिल्कुल मैं व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था ना, मैंने मैं ऐसे ही थी व्लॉग से पहले, मुझे पता नहीं था। इफ्रा वाजी, अगर आज तुमने व्लॉग में डाल दिया तो मैं बता रही हूँ, हरी चटनी है उस व्लॉग में, मैं खुद ही डर गई पहली बार। हरी चटनी है YouTube से देख के बता, शेफ शेफ अनुपा हरी चटनी है, हां तो खाली हरी चटनी ला लो, बता रही थी इसको हरी चटनी है, हरी चटनी में मेरी कहानी खत्म हो गई। हरी चटनी के बाद लाल चटनी, लाल चटनी की सॉस क्या, लाल चटनी केचप को कह रही है, मतलब जो भी तुझे लाल वहां पे दिखे, सॉस चटनी आई। हाय बाजी, कैसी बातें कर रही हो, ये नहीं आएगा भाई, कुछ भी कर लो, कोई भी दुनिया से घूम के आ जाओ, ये नहीं निकलेगा मुंह से। बिस्मिल्लाह तो पढ़ो, खाओ तो सही, फोटो खींच रही है क्या कर रही थी कर जा रही हूँ मैं, बाय बाय। शबाना अपने घर जा रही है, निशा नहीं जा रही अभी, मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज घर खाली है, खाली है, बाय। हम आ जाएंगे आइसक्रीम खाने, बिल्कुल आ जाना, और निचर में ही आई है अभी, हम बात करने जा रहे हैं गप्पे, क्योंकि जब से निचर आई हम गप्पे मार रहे हैं, ठीक है। इतना तो क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है, हटा ही दिया, पर वो गुस्से में है। हमने नमाज पढ़ ली शबाना और मैंने, और हमने इफ्तार भी कर लिया, और हम जब से गप्पे मार रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं गप्पे मारने, तो सारी बातें तो सुना नहीं सकते
बाय। जा रही हो तुम घर? कितनी मोटी आ रही हूँ मैं। मैं खुद ऐसे लगती हूँ यार। अब ठीक है? कितनी छुपा लेना चाहिए हमें। बीमार लग रही हूँ मैं बिल्कुल, जीरो मेकअप के साथ। क्या नहीं आ रही क्या तुम्हारी? मैंने सोचा ब्लॉग या मर्सिडीज मंगवाओ। मैं कुछ बोलने वाली थी, ठीक है नहीं बोलूंगी। तो शपाना चली गई है पर बाजी भी जा रही है। बाजी निकल रही हूँ निकलो। हाँ टाइम हो गया, तो निशा जा रही है और मैं भी नीचे शबाना से फिर से मिलने जा रही हूँ, मतलब आइसक्रीम खाने जा रही हूँ उसके घर, और निशा को छोड़ने भी जा रही हूँ। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चल नहीं रही तुम तो निकल रही थी, मेरे सूट आ रहे पीछे। चलो बाय सबको, मैं भी जा रही हूँ। सारा कूड़ा आ रहा है। टेंशन लेनी, ये टेंशन में अब डार्क सर्कल की टेंशन में आ गई है। वो ईद से एक दिन पहले बुलाई है हमने शगो। चलो।